हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं मेहनत और लगन ऐसी चीज है जो किस्मत भी बदल सकती है। अगर आपके अंदर किसी काम के प्रति इस कदर लगन है कि आप दिन रात एक कर दें, तब जाकर देश को नीरज चोपड़ा जैसे लोग मिलते हैं। ये 23 साल के नीरज की मेहनत का ही फल है जो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर देश को प्राउड फील कराया है। जी हाँ, साथ ही एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। नीरज चोपड़ा की जीत पर जानी मानी हस्तियां जमकर उन्हें बधाइयां दे रही हैं। बॉलीवुड से लेकर साउथ के जाने माने एक्ट्रेस भी गोल्डन बॉय की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां भी नीरज की इस जीत पर खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। अनुष्का शर्मा ने नीरज चोपड़ा की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, एंड अ गोल्ड कम्स होम यू मेक द एंटायर कंट्री सो प्राउड, कंग्रेचुलेशंस नीरज चोपड़ा। वहीं करीना कपूर खान ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर नीरज चोपड़ा की एक फोटो लगाई है और लिखा है, कंग्रेचुलेशंस नीरज चोपड़ा। वहीं दीपिका पादुकोण ने भी नीरज की एक फोटो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए उन्हें कंग्रेचुलेशंस बोला है। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा है, गूज बम्स मोमेंट, कंग्रेचुलेशंस नीरज चोपड़ा। वहीं कैटरीना कैफ ने भी लिखा है, मेकिंग हिस्ट्री, कंग्रेचुलेशंस नीरज चोपड़ा। आलिया भट्ट ने लिखा है कि व्हाट अ अनफॉरगेटेबल मोमेंट, कंग्रेचुलेशंस टू इंडियाज गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, थैंक यू फॉर गिविंग द एंटायर नेशन अ ब्रस्ट ऑफ इंस्पिरेशंस एंड अ होल अलॉट ऑफ प्राइड। तो कंगना रनौत ने भी लिखा है, क्या बोलूं नीरज, निःशब्द हूं मैं, धन्य है तुम्हारे माता पिता और देश। तो देखा आपने, नीरज चोपड़ा के इस कारनामे की बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी अब फैन हो गई हैं। भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाकर करोड़ों देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले नीरज चोपड़ा को लता मंगेशकर से लेकर अक्षय कुमार, अजय देवगन और तापसी पन्नू जैसे बड़े बड़े सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दी है। हरियाणा के खांदा गांव के एक किसान के 23 साल के बेटे नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल के लिए देश का लंबा इंतजार खत्म कर दिया है। एथलेटिक्स में पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय में भारत का ये पहला ओलंपिक मेडल है। और आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।